बनारस में मंगलवार का दिन एक बड़ा अमंगल लेकर आया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में चार हत्याओं से पूरा इलाका थर्रा उठा। हम जहां खड़े हैं इसके ठीक सामने आप देखिए, ये जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, इसी एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखी गई है। और एम्बुलेंस के ठीक बगल में ये जो गली है, इसी गली में 59 वर्षीय राजेंद्र गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। और आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब काम करने वाली रीता घर के अंदर प्रवेश की तो वो चिल्ला उठी, क्योंकि एक के बाद एक चार लाशें कमरे में पड़ी हुई थी। किराएदारों को उसने बताया, राजेंद्र गुप्ता की माँ को उसने बताया, और उसके बाद फिर पुलिस आई। पूरे इलाके में एक कोहराम समझ गया कि चार चार हत्याएं हो कैसे गई। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि जानकारी मिली कि रोहनिया थाना क्षेत्र से राजेंद्र गुप्ता का भी शव बरामद हुआ है। कनपट्टी में गोली लगी है, उसकी भी जाँच चल रही है। इस पूरे मामले में जो अब तक पुलिस की जांच हुई है, जानकारी पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसमें संपत्ति का विवाद, उसमें अवैध संबंध, ज्योतिष का भी एक एंगल सामने आ रहा है। पुलिस हर संभव एंगल से जांच कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि 1997 में राजेंद्र गुप्ता ने अपने छोटे भाई, उनकी पत्नी, अपने पिता और अपने पिता के अंगरक्षक की भी हत्या कर दी थी। उस मामले में वो जेल में भी था, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के बाद, मुख्य गवाह उनकी माँ थी, उनके मुकर जाने के बाद और साक्ष्य के अभाव में वो बरी होकर आया था। उसने फिर दूसरी शादी की थी और उसी दूसरी शादी से उसके दो बेटे और एक बेटी भी थे। उन सब की हत्या उसने कर दी और आखिरकार उसकी भी डेड बॉडी मिली है। अब इन पांच हत्याओं का सिलसिला क्या था, कैसे ये हत्याएं हुई, राजेंद्र गुप्ता ने कैसे हत्या की, राजेंद्र गुप्ता ने खुद को गोली मारी या उसकी भी हत्या हुई, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इतना ज़रूर है कि इस पूरे विवाद की जड़ में संपत्ति, पारिवारिक कलह और अवैध संबंध का जो एक एंगल है वो सामने आ रहा है। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदैनी इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हो गई। नीतू गुप्ता, उनके दो बेटे और उनकी बिटिया, इन चार लोगों की हत्या हो गई। हत्या का मकसद क्या था, हत्या किसने की, इसको लेकर जांच जारी है। हालांकि उनके इस परिवार के जो मुखिया थे राजेंद्र गुप्ता, 59 वर्षीय राजेंद्र गुप्ता घर से फरार हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, फ़ोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ है। तो फिलहाल यही मानकर चला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप ये देखिए कि जो बहुमंजिला ये मकान है, ये राजेंद्र गुप्ता का ही है। इस समय राजेंद्र गुप्ता जो हैं वो फरार हैं और उनकी पत्नी और उनके तीनों बच्चों की हत्या हो गई है। कई परिवार यहाँ किराएदार के रूप में रहते हैं। पुलिस मौके पर पहुँची हुई है और जांच जारी है। इस समय DCP काशी मौके पर हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए कि आखिर मसला क्या है और इस हत्या के पीछे क्या कुछ हो सकता है। ऐसा जरा एक मिनट आइएगा, आ जाइए यहाँ, थोड़ा सा आ जाइएगा। हम बस दो तीन चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर। जो नीतू गुप्ता जिनकी हत्या हुई है, वो आपके परिवार की थी? मेरी बहन की लड़की थी। और बड़ा दुखद रहा कि उसने इनसे लव मैरिज कर लिया। तब से हम लोगों का ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिया, हमने रिश्ते ख़त्म कर दिए। फिर कोई चीज़ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो मोहल्ले में रहने के नाते जानकारी है वो तो उनके हिसाब से वो दुखद करेगा ही। जब एक अपने पिताजी को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, छोटे भाई उसकी वाइफ को मार दिया, तो पूर्व में 3-4 हत्या कर चुके हैं, अपने सगे पिता, सगे भाई, सगे छोटे भाई की वाइफ हत्या कर दिया और फिर भी वो बाहर आ गया। वो उसमें जो आज बयान कर रही है बूढ़ा, उनका सुरवा ना गलती है। माता जी ने उसको कोर्ट में शी वाज द ओनली वन विटनेस, और उन्होंने उनको एग्जम्प्ट कर दिया, गवाही में खिलाफ कर लिया, तो ये बच गए। तो चार हत्याएं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। क्यों सर, आप भी किराएदार हैं यहाँ ना? नहीं, किराएदार हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी। कुछ बताएंगे कि किस टाइप के आदमी थे राजेंद्र गुप्ता? आदमी तो ठीक था, मगर बाद में कुछ माँ बाप से झगड़ा हुआ हक हिस्से के लेके। उस वक्त उन्होंने अपने भाई को, अपने
भाइयों को, पिता को भी। तो ये पिता को पहले जो हत्याएं हुई उसमें प्रॉपर्टी था, इसमें क्या है? प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं था, पारिवारिक ऐसे ही कुछ झगड़ा था। अम्मा, आप ही की बहू सबसे पहले देखी थी ना? हमारी लड़की है। अच्छा, आपकी बिटिया है? हाँ। जो काम करती थी? हाँ। सबसे पहले वही देखी? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम नहीं देखेंगे राजघाट से, हम अभी सुनने आग देख ली, देख कर सुन रहे हैं कि गिर गई है, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई रही। तो सबको कही कि ऐसा बात हो गया भाभी को घर में, सब लोग आया देखा। तो वही काम करती थी उनके घर में? हाँ, उनके घर में काम करती थी। तो कैसे हो गया, कुछ पता चल रहा? नहीं नहीं, हम लोग उसको कुछ पता नहीं, वो तो आई तो देखी ना 11 बजे काम करने आई। कैसा परिवार था भैया? हम भी किराए उधर उस साइड गली में रहते हैं, हमारी बहन है, पता चला तो आए हैं। आपकी बहन ही? अच्छा, इन, हाँ, इनकी परिवार है, हमारी माँ है। हाँ, तो देखी और बेहोश हो गए? बता रही थी कि देखे लोग नीचे, बता रहे थे कि बेहोश हो गई, हम भी सुने तब हम आए। चलिए, तो अब इन चार घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है, लेकिन ये एक हृदय विदारक घटना है। इसके पहले भी 3-4 हत्याएं राजेंद्र गुप्ता कर चुका था, देसी शराब का व्यवसायी था, 4-5 मकान हैं, तो किराएदार बड़ी संख्या में उसके किराएदार भी थे, तो एक तो किराए से अच्छी खासी जो रकम थी वो उसको मिलती थी, देसी शराब से भी अच्छा खासा पैसा आता था, तो रुपए पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पारिवारिक विवाद में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं इस परिवार में, और एक बार फिर से जो प्रथम दृश्य है पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद में ही ये हत्याएँ हुई हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।